दोस्तों खाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं होता, बल्कि शरीर के पूरे सिस्टम को चलाने के लिए ये जरूरी ईंधन है। कई बार डाइनिंग टेबल पर सजी खाने की थाली को देखकर पता नहीं चलता कि इससे हमें कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है। कुछ खाद्य सामग्रियों को कॉम्बो के तौर पर लिया जाए तो उनसे सेहत को कई फायदे हो सकते हैं। गुड फैट शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। गुड फैट यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर के लिए अच्छा है। इससे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। इसके बिना शरीर विटामिन के को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। पालक, शलजम के पत्ते, ब्रोकली, पत्ता गोभी और स्प्राउट्स आदि हैं। गुड फैट्स के स्रोत सभी तरह के नट्स, ऑलिव, कैनोला और तिल का तेल है। विटामिन के और गुड फैट को एक साथ पकाने से दिल और हड्डियां स्वस्थ बनती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन शरीर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। गाजर में बीटा कैरोटीन और विटामिन ए होता है। बीटा कैरोटीन से स्किन ग्लो करती है। एवोकैडो से भी विटामिन ए की प्राप्ति होती है, जिससे चमकदार और खूबसूरत स्किन मिलती है। गाजर, शकरकंद, पपीता, पालक, खुबानी और पत्ता गोभी है। ओवन में शकरकंद को रोस्ट कर उसमें ऑलिव ऑयल डालें, एवोकैडो की डिप बनाएं और उसमें गाजर डालकर खाएं। ये स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। प्याज और लहसुन सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इसमें मौजूद सल्फर कंपाउंड जिंक को शरीर में जज्ब करने में मदद करता है। इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और घाव समय पर भरते हैं। सभी अनाजों में जैसे ब्राउन राइस या ब्राउन ब्रेड आदि सल्फर कंपाउंड प्याज और लहसुन है। ब्राउन राइस को प्याज के साथ कैरमलाइज करके खाएं, या फिर ब्राउन ब्रेड या रोटी पर क्रीम या चीज के साथ प्याज की स्लाइस रोल करके खाएं। आयरन मस्तिष्क, मसल्स और पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। पालक, ओटमील, टोफू, काले चने और सफेद छोले आदि। विटामिन सी के स्रोत सीट्रस फल, कीवी, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, टमाटर और ब्रोकली। पालक को संतरे के साथ मिलाकर सैलेड के रूप में खा सकते हैं। ये तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो स्ट्रॉबेरी को पीनट बटर के साथ मिलाकर खाएं। ये दोनों ही विटामिन ई और विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। बादाम या बादाम का बटर, पीनट या पीनट बटर, गेहूं, सूरजमुखी के बीज और सोयाबीन आदि। विटामिन सी के स्रोत सीट्रस फल, कीवी, अमरूद, ब्रोकली, लाल, हरी और पीली शिमला मिर्च, स्प्राउट्स, टमाटर, स्ट्रॉबेरी और आलू। पीनट बटर और स्ट्रॉबेरी स्लाइस को सैंडविच या टोस्ट में दबाकर खाएं। मछली पोषक तत्वों से पूर्ण है। ब्रोकली व मछली का कॉम्बो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। ब्रोकली में पर्याप्त कैल्शियम होता है जो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ब्रोकली, दूध, योगर्ट, चीज, ऑरेंज जूस, सोया, दूध और चावल। विटामिन डी के स्रोत सालमन, टूना सार्डिनेस और अंडे का पीला भाग। सालमन ग्रिल कर ब्रोकली के साथ खाएं। टमी के कारण शर्मिंदगी महसूस करते हो तो घबराए नहीं। कैल्शियम यानी दूध और इनुलिन यानी कार्ब का नेचुरल स्टोरेज यानी केले का कॉम्बो आजमा कर देखें। दूध, योगर्ट, चीज, ब्रोकली, सालमन, सार्डिनेस, टोफू, ऑरेंज जूस, बादाम, सोया और चावल। इनुलिन के स्रोत प्याज, लहसुन, केला, गेहूं का आटा और एस्पेरेगस आदि। केले और कॉर्नफ्लेक्स को स्किम्ड दूध के साथ लेना अच्छा है। आलू में कई पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो आपको चुस्त दुरुस्त महसूस कराते हैं, लेकिन आलू की सब्जी को दोबारा गर्म करने पर ये पौष्टिक तत्व बेकार हो जाते हैं और इनका शरीर पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है। मशरूम को दोबारा गर्म ना करें, थोड़ा पकने पर ही इसे खा लेना चाहिए। दोबारा गर्म करने से ये अनहेल्दी हो जाता है। पालक में नाइट्रेट नामक तत्व पाया जाता है, इसे ताजा पका हुआ ही खाना चाहिए। दोबारा गर्म करने पर ये एसिड बन जाता है और पेट और पाचन क्रिया को नुकसान पहुंचा सकता है।